ओम शांति। 30 जनवरी 88 की अव्यक्त मुरली। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। आज बाप दादा ने प्यारे ब्रह्मा बाबा के जीवन की और विशेषताओं को गहराई से स्पष्ट किया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा जो सबसे पहली रचना, जो नंबर वन ब्रह्मा आदि देव कहलाए, इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव है। आदि रचना भी कहा जाता है और आदि देव नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर का देव। ब्रह्मा ही पहला नंबर, या तो कहो ब्राह्मण आत्माओं के रचता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर वन रहे। ऐसा नंबर वन क्यों बने? किस विधि से नंबर वन की सिद्धि को प्राप्त किया? आज बाबा इसे स्पष्ट कर रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना, तो इसका पहला कदम समर्पणता, वो तो सुनाया, सब रूप से समर्पण बन के दिखाया, और दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया वालों से ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? सबसे ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा ना? देखो बाबा, बताते हैं लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना और ब्रह्मा बना, तो अपशब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व की स्नेही जीवन व्यतीत की लौकिक में, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों पर भी अत्याचार हुए तो इनडायरेक्ट तो बाप पर ही हुए ना, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से सदा मुस्कुराते रहे, मुरझाए नहीं। देखो यहाँ से बाबा ने सहनशीलता के गुण को इतना गहराई से स्पष्ट किया है। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे भी मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहते हैं सहनशील। फिर बाबा ने कहा, दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। जैसे यादगार शास्त्रों में दिखाया है ना, महावीर हनुमान के लिए इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर गेंद के समान ले आए। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बातों को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। भारी बात को हल्का बनाकर स्वयं भी हल्के रहे, दूसरे को भी हल्का बनाया, इसको कहते सहनशीलता। नोट करते जाएंगे, आज बाबा कितनी गहरी परिभाषा हमें समझा रहे हैं सहनशीलता की। विस्तार को सार में लाना, अर्थात पहाड़ को
गेंद बनाना, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, ये तो पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में ना आए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाना, बिंदी बन आगे बढ़ना, इसको कहते विस्तार को सार मिलाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे समस्या विघ्नों के विस्तार को सार में ले जाती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियाँ समाप्त होती है ना, यूज होती है, तो सार है शॉर्टकट करना। शक्तियों की बचत होती है, जिससे दिल से कष्ट या निराश नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते हुए पार करते हैं, है ना। जब लंबे रास्ते में जाते हैं, बहुत विस्तार में जाते हैं, तो कितनी शक्तियाँ हमारी वेस्ट होती है ना। तो बाबा ने कहा, जितनी शक्तियाँ यूज़ होगी उतना क्या होगा, फिर थकावट आ जाएगी, दिल से कष्ट हो जाएंगे। तो सदा मुस्कुराते पार करना, इसको कहते हैं सहनशीलता। भाषा बताई और आगे बताया, सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है? संपन्न होने के कारण ज्ञान की और याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है। खाली चीज उछलती है ना, तो संकल्पों में भी उछलता रहेगा, फिर वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, और जो हद से ज़्यादा उछलता है वो फिर हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता, और स्वयं ही फिर थक जाता है। तो ऐसे बातों से बचना है। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल के दिखाया ना। सदा अटल अचल सहज स्वरूप की मौत से रहे, मेहनत से नहीं। देखो कितनी गहरी बात यहाँ शिव बाबा हमें, ब्रह्मा बाबा के जीवन के गहरे पुरुषार्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, कि इतनी बातें होते हुए भी ब्रह्मा बाबा सदा मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष की तपस्या में किया ना। 14 वर्ष ऐसे महसूस हुए कुछ घड़ियां पास की, मौत से रही या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाश से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले बनाए, मैकेनिक बनाया, चप्पल सिलवाया, मोची भी बनाया, माली भी बनवाया, मेहनत की या मौज लगी। जो मुंजे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है? देखो फिर बाबा ने कहा, अब तो सेंटर पर थोड़ा सा कुछ स्थूल काम करना पड़ता है, तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया क्या, इस काम के लिए। लेकिन मौज से जीवन जीना, चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से, मूंझना नहीं है। तो बाबा ने यहाँ पक्का कराया, ब्रह्मा कुमारी बनना माना दिल की मौज, न कि स्थूल मौजों में रहना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने वाले नहीं, मौज में बदलना है। श्रेष्ठ साधन भी होते भी, सब कुछ होते हुए भी कई आत्माएं मूंझती रहती है। जैसे कहते ना, सूत मूंझा हुआ है, या कैसे होगा, ऐसे वैसे,
अच्छी बात में भी मूंझते हैं और घबराते हैं, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। यहाँ बाबा एक बहुत गहरी धारणा हमें पक्की करा रहे हैं कि देखो बच्चे, वृत्ति मूंझी हुई है ना, तो अच्छे में भी मूंझेंगे, मन भी मूंझा हुआ रहेगा, क्योंकि वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि मूंझी हुई दिखाई देगी। लेकिन ब्राह्मण जीवन अर्थात बाप समान मोजों की जीवन, इसका आधार है सहनशीलता। इसी से ब्रह्मा बाबा सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, और तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हरेक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता है कल क्षमा मांगता है। अपने मुख से भी यही बोल निकले, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो देखो कितनी गहराई बाबा ने आज हमें समझाई कि कैसे हमारी वृत्ति से सृष्टि बनती है, और कैसी भी आत्मा हो, असंतुष्ट हो, सामना करने वाली, तो बहुत ये गहरी बात है ना। देखो हमें कोई उल्टा सुल्टा बोले, थोड़ा सामना करे, तो हमारी स्थिति क्या होती है। हम सभी अपने आप को चेक करें, और बाबा ने क्या किया, ऐसी आत्मा को भी मधुरता से, सहनशीलता की साइलेंस की पावर से, शुभ भावना से आगे बढ़ाया। कितनी बड़ी बात है। देखो ऐसे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसके लिए कितना हमें ज्ञान का बल अंदर चाहिए। कूट कूट के ज्ञान को बुद्धि में ऐसा बिठा देना है कि हर परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव हो उसको सेकंड में पॉजिटिव कर लें। तो ऐसे फॉलो फादर, कदम पर कदम रखना है, यही बाप समान बनना है। तो आज बाबा ने कहा कि देखा ऐसे महावीर बनना है, चैलेंज करते हो ना, असंभव को संभव करना है। तो बाबा ने आज ये विशेषताएं बताई। फिर बाबा ने मुलाकात में भी कहा कि देखो शिव शक्ति का अर्थ कंबाइंड है। बाबा से ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग न कर सके। माया कितनी भी कोशिश करे, शिव शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकती है। अलग रहते तो माया आती, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान याद रखना, हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्ति विजयी है। तो आज ब्रह्मा बाबा की इन विशेषता को हमने सुना। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा के जीवन के एक एक गुण का वर्णन करते हैं। कितनी महान आत्मा है कि जिसके गुणगान स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, यज्ञ पिता, हम सब उनकी वंशावली है। तो ये जनवरी मास में हम इसे सुनकर धारण करें और अपने आप से आज प्रतिज्ञा करें कि बस हमें भी ब्रह्मा बाप समान सहनशीलता की मूर्ति बनना है।
कुछ भी सहन करना पड़े और ये आदत डाले, बड़ी बात को छोटा बनाएंगे, सब सहन कर लेंगे। कैसी भी परिस्थिति आए, शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा को भी प्यार से परिवर्तन करेंगे। इसे सहनशीलता कहा जाता है। हम तो कभी कहते ना, बात ही ऐसी थी ना, लेकिन बाबा ने कहा, महावीर हनुमान को याद करो, पहाड़ को गेंद बना लेना, अर्थात खेल समझना, मौजों के जीवन में रहना। तो चलो आज से हम सब अपने से प्रतिज्ञा करें, ऐसे बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ऐसे शक्तिशाली बने जो कितना भी सुनना पड़े। ब्रह्मा बाबा तो गाली खाने में भी नंबर वन रहा, तो ऐसी मूर्ति हमें बनना है। तो यही संकल्प करें, बाबा से कंबाइन हो जाए। मैं शिव शक्ति, बाबा से कंबाइन, मैं सहनशीलता की मूरत हूँ, बाबा से दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करती हूँ। बाबा, मैं ज्ञान की गहराई से हर बात को पास करते हुए मौजों का जीवन अनुभव करूंगी। ओम शांति।